नमस्कार, मेरा नाम अमरेश है। फिटर ट्रेड थ्योरी के नेक्स्ट टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सरफेस प्लेट और मार्किंग टेबल के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग मार्किंग टेबल के बारे में जानते हैं। मार्किंग टेबल पर रखकर हम जॉब पर ऑपरेशंस हेतु निशान लगाते हैं। इसका प्रयोग रेफरेंस सरफेस यानी कि संदर्भ सतह के रूप में करते हैं। यह क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन की बनी होती है। सरफेस प्लेट कास्ट आयरन, ग्रेनाइट, कांच या सिरेमिक पदार्थ की बनी होती है। इसका प्रयोग आधार सतह के रूप में यानी कि डेटम सरफेस के रूप में जॉब की फ्लैटनेस व रफनेस चेक करने के लिए होता है। मुख्यतः सरफेस प्लेट का प्रयोग इंस्पेक्शन कार्यों में किया जाता है। इसकी बनावट ऐसी होती है, इसमें नीचे की साइड पर रिप्स दिए रहते हैं जो इसको मजबूती प्रदान करते हैं, जिससे इसमें कोई विरूपण नहीं होता है। इसके अलावा सरफेस प्लेट को इस तरह बनाया जाता है कि इसमें कोई स्ट्रेस पहले से ना रहे। सरफेस प्लेट कई ग्रेड में पाई जाती है, जैसे 00, 01, 23। ग्रेड 00 मेट्रोलॉजी लैब में प्रयोग की जाती है। ग्रेड 0 क्वालिटी कंट्रोल हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। ग्रेड 1 टूल रूम में किया जाता है इसका प्रयोग। ग्रेड 2 की जो हमारी सरफेस प्लेट होती है उसका प्रयोग वर्कशॉप में करते हैं। और ग्रेड 3 स्पेशल पर्पस किसी कंपोनेंट के लिए हम बनाते हैं, उसको चेक करने के लिए इस तरह की सरफेस प्लेट का प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।